दिल्ली के नरेला में छठ पूजा एक महत्व उत्साह के रूप में मनाई जाती है, जहां पर लोगों की श्रद्धा उन्हें इसके लिए आती है। हम बात करें यहां पर अतिथियों, कभी एक किसान से मेला लगा हुआ होता है, जैसी छठ पूजा नरेला में होती है। दिल्ली के किसी भी क्षेत्र के अंदर ऐसी छठ पूजा नहीं होती। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि हर तरीके का प्रोग्राम दिल्ली के नरेला छठ पूजा में देखने योग्य होता है। यहाँ जितने भी छठ पूजा में लोग आते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी मनोकामना छठ व्रत रखने वाले। इस कथा को जरूर पढ़ने, एक मायता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली। छठ व्रत रखने वाले इस कथा को जरूर पढ़ें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। छठ पूजा का आरंभ आज से हो गया है। ये एक महापर्व है जो पूरे चार दिनों तक चलता है। इस पर्व का मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से हो जाती है। ये व्रत काफी कठिन है, जिसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है और पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देना होता है। छठ व्रत पूजा के दौरान इस कथा को पढ़ना जरूरी माना जाता है। छठ पूजा की पहली कहानी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा प्रियंवत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। छठ पूजा नहाय खाय के विधि, मुहूर्त, महत्व और सभी जानकारी जानिए यहाँ छठ पूजा की दूसरी कहानी। एक मायता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पूजा की तीसरी कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा की चौथी कथा। छठ पर्व के बारे में कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जमे हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की भैंस और गाय पानी पीते हैं, यहाँ के लोग कनाद बोलते हैं, उसमें किताब में लोग देख रहे हैं। ये यदि किसी की देन है तो उस देवी स्वरूप श्रीमती शीला दीक्षित जी और पूर्वांचल के लाल महाबल मित्रा जी का देन है। तभी आज हम इतने सुव्यवस्थित तरीके से आज ये सरकारी स्तर पे हैं। हमारे सरकारी विभाग, हमारे DM साहब, DCP साहब, MCD, ब्लड डिपार्टमेंट, सभी अब हमारे शिंदे के लिए सरकार नहीं, ये सारा मेरे जो डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी ने मिलकर जो काम किया है और अभी भी कर रहे हैं इतने समय पे, तो उन सभी का सत्कार है। उन सभी की तरफ से मैं आपको भी धन्यवाद कहता हूं और आपकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके आगे भी इसी तरह हम शांतिपूर्वक और अच्छी तरीके से ये पर्व मनाते रहेंगे। धन्यवाद। अशोक झा जी, बुकी लेकर के एक बार ऊपर आ जाइए। तपन झा जी, आप भी स्वागत कीजिए। श्री जसवंत सिंह राणा जी, श्री जसवंत सिंह राणा जी जो हमारे पूर्व विधायक और हम इन्हें युवा विधायक कह के पुकारते थे, श्री जसवंत सिंह राणा जी। कंडेरा जी आप भी आइए। श्री चरण सिंह, सूर्य अस्त के बाद ये कार्यक्रम चालू होता है, सूर्य उदय के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। कलाकार जो है हमारे भोजपुरी के स्टार है,
कल्लू भाई है अरविंद अकेला और कल्लू भाई जितेंद्र सिंह अंशु है, जूली झा है, राधा श्रीवास्तव है और हरियाणवी के लिए पूजा शर्मा अनुराधा शर्मा है। सुबह की अगर बात की जाए तो सूर्य का अर्घ्य किस तक दिया जाएगा? ये 6 से 7 बजे तक जब भगवान सूर्य का उदय होगा, ये तो मालिक है वो जब उगेंगे, 6 बजे वो सूर्योदय हो तो 6 बजे हो जाएगा, 7 बजे हो तो 7 बजे, यानी उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके ये कार्यक्रम का समाप्त होगा। सर नाम क्या है? मैं विनीत कुमार जनित। सर पूजा की अगर बात की जाए तो परसों प्रोग्राम कर रहे हैं आप और गैदरिंग कितने हैं? देखिए हम 2002 से इस ग्राउंड में छठ पूजा करते आ रहे हैं, गैदरिंग की कोई सीमा नहीं होती। हम सोचते हैं कि 50,000 आदमी आएगा, आते हैं 70,000, हम सोचते आएंगे उगे 70,000 तो आते हैं 80,000, कोई गैदरिंग की संख्या नहीं होती। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, हमें संख्या तो पता नहीं होती लेकिन हमें इतना पता होता है कि कार्यक्रम उन्हीं की सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। रात की अगर बात की जाए तो कौन कौन से कलाकार आए और कब तक प्रोग्राम चलेगा? देखिए ये सूर्य अस्त के बाद ये कार्यक्रम चालू होता है, सूर्य उदय के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। कलाकार जो हमारे भोजपुरी के स्टार है, कल्लू भाई है अरविंद अकेला और कल्लू भाई जितेंद्र सिंह अंशु है, जूली झा है, राधा श्रीवास्तव है और हरियाणवी के लिए पूजा शर्मा अनुराधा शर्मा है। सुबह की अगर बात की जाए तो सूर्य को अर्घ्य किस तक दिया जाएगा? ये 6 से 7 बजे तक जब भगवान सूर्य का उदय होगा, ये तो मालिक है वो जब उगेंगे, 6 बजे सूर्योदय हो तो 6 बजे हो जाएगा, 7 बजे हो तो 7 बजे, यानी उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके ये कार्यक्रम का समापन होगा।